it just me, or do you guys also have weird cleaning pangs at night? रात के 1:30 हो रहा है एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू क्लीन माई एंटायर रूम एंड आई हैव वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग. आई डोंट नो इफ दिस इज जस्ट मी और डज एवरीवन डू दिस. एंड आई एम सो टायर्ड. आई हैव जस्ट कम फ्रॉम अ पार्टी विच वॉज अ पूल पार्टी. थैंक्स फॉर जाना, आई हैड द बेस्ट टाइम. एंड इतनी स्विमिंग करी, इतना मज़ा आया. बट नाउ आई एम जस्ट क्लीनिंग माई रूम लाइक लिटरली. I have work the next morning. Why do I do this to myself? Okay, nahi milta hai. I can't believe I'm meeting this one. This is my hand and this is the mango. And it is all thanks to this kisan. Baba, aapko kaisa lagta hai? Aap किसान बन गए हैं? बहुत अच्छा. आपने इतने अमेजिंग आमों को जन्म दिया है. इतने बड़े आम, इतने खूबसूरत लुकिंग आम. अमेजिंग डैड. अपोलॉजी इन प्रोसेस. रिता, हाउ डू यू फील? आई फील वेयर्ड, रियली वेयर्ड एंड स्कैर्ड. वेरी. गाइस, दिस इज हाउ यू शुड मेक इट अप टू योर फ्रेंड्स विद केक एंड अ क्यूट मैसेज. Please see what's written on it. एक बार देख लो, गिट्टू पढ़ लो उस पे क्या लिखा है. खुद ही खा लेती हूँ. हाँ, खुद ही खा लेती हूँ. हाँ, तुम उसको खिला दो. तुम खिला दो गिट्टू को. इसी बाइक से खिला दो. नहीं, अभी बातें नहीं खत्म हुई मेरी. क्या नहीं बनानी थी यार? अब देखो, सो क्यूट. I'm happy to inform everyone that they are back to being best friends. Ruk na. Chutiyon ko pata hi nahi. Boring people. Cool people. This is the coolest person in our party. Very bad and spicy. अरे किट्टू, ये कहाँ पर थे? We are ready for our pool party. It's feeling nice. Yes. Happy birthday, kids! Woo! Happy birthday to you! Happy birthday, sister!
ऐसी बात कर रही हूँ, आई हैव फॉरगॉटन कि मेरी असली आवाज़ है कैसी. सो या जुलाई हैज़ बीन अमेजिंग बट इट रियली नीड्स टू एंड बिकॉज अब हो गया मेरा, ये हो गया मेरा फ्लू सीजन, हो गया भाई. जुलाई वॉज अ लॉट ऑफ फन. यूजली मेरे जुलाई सबसे ख़राब जाते हैं बट दिस टाइम जुलाई वॉज अ लॉट ऑफ फन. बट इट नीड्स टू एंड नाउ. बाय जुलाई, लव या बट बाय. दिस लिटिल चाइल्ड इज गेटिंग अ रिटायरमेंट. मम्मा को ये कार्ड मिला है फ्रॉम वन ऑफ अ स्टूडेंट्स एंड माई डैड इज वेरी एंग्री कि उसने ये सब क्यों लिखा है. आई लव यू माई लेडी लव. तो पापा को तो गुस्सा आ रहा है. I'm going to do something so important in life and this is such a good sign. This is such a good sign that I've met an angel. Angel! Hi, sweet too. I love you. I love you. Yeah. Proud car owners with sunroof and all, huh? Such proud moments. I'm so friend. Oh, I'm so proud of my friend. Sida, Sida. Can't believe you bought a car. हम कितने बड़े हो गए हैं यार. तुम कितनी cool हो गई हो. हम इतने बड़े हुए हैं. How did you like my outfit? Wedding outfit कैसी लगी तुमको? I love it. तुम्हारा क्या opinion है मेरी wedding outfit पे? Okay, cool. Enough said. Bestie, come back. यार ये बात बताओ, wedding outfit पहनने के बाद शादी भी तो करनी पड़ेगी. That's true. फिर जाना पड़ेगा. That's also true. Then I hate the wedding outfit. Hate it. गुस्सा हो गई. प्रार्थना की तो गंगा जी का से आशीर्वाद लेके गया है. ये मैं दूरदर्शन को आप लोगों ने दिया है इतना विनम्रता के साथ. ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आपका जीवन भगवान की कृपा से सुखमय रहे. ये मेरी प्रभु कृपा है. इसके बाद इस मंच का संचालन का कार्य करूं. और अरुण जी भी अलहदा मित्र है. मेरे पास जो शादी का कार्ड आया था रमा जी ने मुझको नहीं दिया था, वो अरुण भाई ने दिया था. जब मैंने खोला था नाम पढ़ा तो मैं कहूँ क्या समझा अरुण भाई की वही पाली है. रमा जी बहुत याद है कि आप ऑफिस में आती रहिए या तो बीच बीच में आती रहेंगे तभी. रमा जी से जब पहचानू मैं आपको बताना चाहूंगा मैं तो बचपन से ही मेरे लिए और मैं बताना चाहूंगा कि आपने मेरी कितनी मदद की ये तो मैं ही जानता हूँ. मेरे हृदय में तो एक बहुत अच्छा साथी, एक बहुत अच्छा अधिकारी और एक बहुत अच्छी बहन यहाँ पर मौजूद है. रामा जी, रामा जी के बारे में बात बता रहे हैं निराली जी कि बहुत सारी बातें हैं उनकी जो आप चर्चा नहीं कर सकते. तो वास्तव में सही कह रहे थे कि उन पर वो कुछ लिखेंगे तभी उसे पूरी कुछ बातें उसमें समा पाएंगी. रमा जी का व्यक्तित्व बहुत गहरा है, बहुत लंबा अनुभव उनका आकाशवाणी में. उनके साथ बहुत प्रोग्राम किए हैं हम लोगों ने साथ में, बचपन से लेकर आज तक हम लोग साथ में रहे हैं रमा जी के.
और रमा जी ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे। रेनबो जब शुरू हुआ तो रमा जी ने बहुत वहाँ पे बहुत मेहनत की, हमने देखा वहाँ पे रमा जी ने ड्रामा सेशन वहाँ पे काम किया, बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ वहाँ पे की, उनकी याद हमेशा वहाँ पे आती थी जब भी हम लोग गए वहाँ पर, तो रमा जी को हमेशा याद किया गया वहाँ पे। और उसके बाद दूरदर्शन आई तो हम लोगों को वास्तव में बहुत खुशी हुई कि रमा जी वहाँ से यहाँ आ गई हैं, तो पता लगा कार्यक्रम प्रमुख बन के आई हैं, तो हम लोग बधाई देने गए उनको, बहुत अच्छे उन्होंने कार्य किए यहाँ पर, सबके साथ सहयोगपूर्ण उनका रवैया रहा, इसे हम सब हमेशा याद रखेंगे करके। और इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया कि हजारों चिट्ठियां आने लगी थी, और मैडम को शायद ये नहीं पता होगा वहां पे चिट्ठियां आती थी कई बार, वहां पे जो लोग छांटते थे चिट्ठियों में, आज मैं बता रहा हूँ उसमें लिखा रहता था कि मैडम चीनी आप कितना खाती है तो इतना मीठा बोलती है ना, सुंदर आवाज में बैठती थी माइक के सामने है ना। आज ये पहली बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, कभी मैंने चर्चा नहीं किया किसी चीज के लिए, तो लोग निश्चित है कि व्यक्तित्व से डायरेक्ट जुड़ते हैं और प्रभावित होते हैं, काम तो सभी करते हैं लेकिन वो अपनी छवि छोड़ करके चले जाना कहीं पर, ये बात बहुत बड़ी बात होती है। रोज की जाने की आदत, मैम के लिए वेट करना कि 6 बजे से पहले मैम नहीं निकलेगी, कई बार बोलते थे मैम चलिए आज तबियत ऐसे ही, हाँ बेटा 5 बजे, फिर 5:30, फिर 6 बजे से पहले मैम कभी नहीं निकली चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स रही। और ये इनसे मैंने सीखा है टाइम पे आना, पंचर होना, और पता नहीं कैसे ये सब में कुछ अच्छाई देख लेती है। ये चीज में मतलब कोशिश करती हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ दिख ही जाता है किसी को बुरा लेकिन ये चीज मैं इनसे बहुत हद तक मतलब चाहती हूँ कि मेरे अंदर ये चीज आ जाए कि सब में अच्छाई दिखे तो फिर इंसान में कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं जाएगी। और मेरी हम सफर टाइप है, और मैं कल से आज से कैसे गाड़ी चला के जाऊंगी मुझे नहीं पता, अभी 10 दिन के लिए मैम नहीं थी तो मैं गाड़ी सीधे घर तक ही ले गई थी, फिर राम भवन भी आना है, मैम तो बैठी नहीं है फिर घुमा के वापस, तो आई डोंट नो मेरा कैसे चलेगा, बस ईश्वर से ये कामना है ऐसे ही हंसती है। आज मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं रोऊंगी नहीं, इमोशनल नहीं होंगी, इसलिए यही पे अपने आप को स्टॉप कर दी हूँ। मैम वी लव यू, वी लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, लविंग, केयरिंग, वो मुझे लगता है सारी क्वालिटीज रमा में है। अगर कोई जोड़ना भी चाहे कि कोई भी एक अवगुण हो नाम के अंदर, तो मुझे लगता है एक भी नहीं मिलने वाला है, सारी क्वालिटीज रमा के अंदर है। और जैसे अभी नलिमा ने बताया कि कोई गलती भी अगर हो जाए तो हम लोग सीधे जाकर के मैम ये हो गया है, और मैम आउट ऑफ द वे जाकर के भी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताती है। कोई भी प्रोग्राम हो, प्रोग्राम रिलेटेड हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि पर्सनल भी, तो मैम उनसे बहुत इजीली डिस्कस किया जा सकता है, तो थैंक यू मैम। और बुरा नहीं सोचा, आर्टिस्टिक मेजर किए और यही कारण है पहली ऐसी हेड़ा प्रोग्राम है जिनका ये पैसे का शिकायत आज तक नहीं, जब हमें मालूम है 2023 में यहाँ पर हैं, कभी भी विवादों से परे नहीं रहा हेड़ा प्रोग्राम या हेड़ा ऑफिस का पद जो रहा है। रमा की सिंगल ऐसी चोटी है 8 साल में इनका एक पैसे का कोई शिकायत नहीं हुआ, इसका कारण यही है कि सबको प्रेम से रखती हैं, सबकी बात सुनती हैं और सबको बराबर होता है। और रमा जी का साथ मुझे याद आ रहा है थिएटर पे एक प्ले हुआ था जिसमें आकाशवाणी में, मैं अभी रमा जी से उसे कह रहा था कि जितनी पॉपुलर आकाशवाणी में हुई है दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, हरियाणा की चोटी की उनको निभाते निभाते इन्होंने अपने अंदर के कलाकार को, ये की बहुत बड़ी बात है, कलाकार को कभी सामने नहीं लाई है, किसी जिम्मेदारी होंगी लेकिन कभी वो सामने नहीं आया क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। और मैडम साहब मैंने बहुत काम किया और साहब बहुत कुछ सीखा, और अरुण जी जो सामने बैठे हैं हमारे गुरु जी, इनके साथ भी मैंने काफी प्ले किया, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं क्या बोलूं, इधर गुरु जी है और जैसे लोग मैं जानते हैं लोग गुरु माँ भी कहता हूँ, क्योंकि हमारा आपका रिलेशन
देखा जाए तो बहुत पुराना है और एक राज है कि शायद मेरी शादी के वजीने का गवाह कोई है तो आप हैं। तो गवाह है और दूसरा ये हमारे बीएनए के हमारे सीनियर भी हैं और ये चीज उन्होंने कि रमा जी ने हमेशा लोगों को प्रेरणा दी, एक तो प्रेरणा देने वाला व्यक्ति तो रमा जी में सबसे बड़ी बात है। प्रेरणा मुझे तब से मिलने लगी जब मैंने बीएनए ज्वाइन करने किया, पहले आप लोगों को सबको याद होगा ये नेटवर्क का जमाना था, नहीं 90 की बात है, तो जो भी लिस्ट निकलती थी तो वो जैसे एडमिशन हुआ तो लिस्ट निकलती थी, तो देखा एक लिस्ट और लगी हुई थी पेपर ही कटी, वो पेपर ही कटी में 5-6 लोगों का नाम था जिसमें परेशान जी का था, रामा जी का था और क्या कहते हैं 2-3 और अपने सक्सेना साहब का था। वो जब उन लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था तो वो बीएनए के लोगों का सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ, तो ये जब जैसे ही हमने लिख देखे उनको सोचे थे वाह बीएनए का भी हम लोग जा करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और मैं तो सोच ही रहा हूँ 30 साल हो गया लेकिन इंशाल्लाह बन जाऊँ। वो एक अलग बात है, प्रेरणा दिया हुआ है मुझे प्रेरणा कि भाई अच्छा हमें जगह पर सीनियर है तो अगर इनको तकलीफ ना हो, मैडम ने हमेशा बराबर हिम्मत बनाए रखा, नहीं चलो 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 पहाड़ों के ऊपर नीचे जाना, इवन 6 घंटे की शुरू होगी थी हम लोग की 6 घंटे जो भी बराबर पैनल मेरे साथ बैठे रहे और एक बार में भी हम लोग के साथ मरे तो बहुत अच्छा आपका हम लोग के साथ ये और मेरे दिल में ये हमें बड़ी बहन की तरह रही है हमेशा, तो जो सहायता मिली हुई है मैं इनका आजमा ऋण रहूंगा इन मंच पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक पल रियाज लेने की बात इनसे भी कही थी और एचओ से भी कही थी कि मेरे घर की कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं कहीं बाहर जा सकूँ, इन्होंने बियॉन्ड द लिमिट जाकर के मेरी सहायता की जो मेरे इस पर लक्ष्य हो गया है। मैं माली जी की बात करते करते मैम के पास आ गया, मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ, मेरे परिवार की संरक्षक उसके साथ इन्होंने इस पूरे ऑफिस में 8 साल एज ए प्रोग्राम हेड चलाया। मैं 2008 में बरेली से आया था तो मैडम पेक्सको थी, उसके बाद इनके पेक्सको के साथ ही मैंने इनके साथ काम किया और उसके बाद जब से 8 साल ये कार्यक्रम प्रमुख रही तो 8 साल में इन्होंने जैसे नलनी जी ने कहा हर किसी को समझाना, सही राह दिखाना, चीज़ों को सेट राइट करना और कैसे काम अच्छे से अच्छा हो, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाएंगे। ये रिटायर हो जाएंगे उसके बाद भी मेरा अपना ये निजी रिक्वेस्ट है, निजी अनुरोध है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन आ करके हमारे लिए कम से कम प्रेरणा स्रोत का काम करें, प्रेरणादायक एक व्यक्तित्व के रूप में काम करें, ये अगर नहीं आएंगी तो फिर मैं इनसे नाराज हो जाऊंगा। रमा जी को दे दीजिएगा तो ये नरेश सिंह रावत जी ने जी आपके लिए दे दिया। दुनिया के हर सवाल का हम खुद जवाब हैं, पढ़कर हमें तो देखो मुकद्दस किताब है। मैडम जो शख्सियत है कि किरदार में मेरे अदाकार या नहीं है, किरदार में मेरे अदाकार या नहीं है, खुददारी है, गुरु है, मक्कार या नहीं है। और आज मैम की विदाई जो है पूरा दूरदर्शन परिसर, सभी कर्मचारी तो आहत है ही है, पूरा दूरदर्शन परिवार परिसर प्रांगण स्टूडियो सब दमगीन है, उन सब की तरफ से मैं शेर जो आप लोगों को पसंद आया जो मैम को समर्पित करता हूं कि ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया, उड़ गई आंगन से चिड़िया घर अकेला हो गया। पूर्ण हो रहा है उस समय रमा जी की एक बात मुझे बहुत ही अपील थी और मैं बोलता हूँ अक्सर बोलता हूँ, रमा मैम ने कहा कि भले इनके रमा मैम की ये उद्गार है तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और ये आपको कोई मैम भी उस समय थी, उस समय मैंने ज्वाइन किया था सबसे पहली मुलाकात की चल रहे एक एंकर हूँ और एक एंकर के लिए ये शोभा नहीं देता कि उसकी आवाज लड़खड़ाए या वो कहीं पे अटक जाए, लेकिन मौका ऐसा है मैं इतना भावुक हूं जिन लोगों के साथ जिन लोगों के सानिध्य में
मैंने अपना सफर तय किया उनको इस प्रांगण से दूर जाते देखना मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा अवसर है जिसे शायद शब्दों में बयान कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि न कुछ हंस के सीखा है न कुछ रो के सीखा है, न कुछ हंस के सीखा है न कुछ रो के सीखा है, जो कुछ थोड़ा सा सीखा है किसी का रो के सीखा। ये बहुत मुश्किल होता है कि पत्नी के कार्यालय में उनके सहयोगियों के सामने कुछ कहना, अगर मान लीजिए कोई भावावेश में कोई ऐसी बात निकल जाए जो ठीक नहीं है तो आप अपनी बात नहीं कह रहे होते हैं, आप महाभारत की स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं। और लखनऊ दूरदर्शन के जो प्रोग्राम्स हैं वो हमेशा से उच्च कोटि के रहे और बहुत पसंद किए जाते रहे। तब हनुमान बैस था, बजरंगबली वाला बैस था, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी बात थी। तो रमा जी ने वहां पे अपनी ट्रेनिंग की, उसके बाद इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू किया। बहुत में इन्होंने अभिनय किया, इप्टा के साथ काम किया, दर्पण के साथ काम किया, टॉ के साथ काम किया और भारतेंदु नाट्य अकादमी के जो प्रोडक्शंस होते थे, चूंकि लड़कियों की कमी थी तो एक्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता था, तो इन्होंने प्रोफेशनली काम किया। उसके बाद यूपीएससी से सिलेक्शन हो गया और आकाशवाणी रामपुर में पोस्टेड हो गई, रामकर्म शुरू कर दिया और फिर लखनऊ में एफएम शुरू किया और फिर आके लखनऊ दूरदर्शन में जो भी काम किया। मैं बहुत सारे लोगों से परिचित तो नहीं हूं लेकिन आप ये समझिए कि आप सबके बारे में कभी ना कभी रमा जी ने कोई ना कोई एक अच्छी बात जरूर बताई होगी। मैं एक तरीके से आप सबसे परिचित हूं, मैं और मेरा परिवार आप सबका हृदय से बहुत ही आभारी हूं और मैं शुक्रगुजार हूं। हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम लगे, सिर्फ एहसास करे। बहुत से रिश्तों को नाम देना जरूरी नहीं होता। बहुत अच्छी पारी हमने रमा जी के साथ खेली। रमा जी के बारे में मतलब मित्र हैं हमारी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में ऐसे मित्र हैं जिनमें रमा जी का नाम अग्रगण्य है। ये एक आश्चर्य है, देखिए बहुत से मित्र बनते हैं युवावस्था में लेकिन सब धीरे धीरे वक्त के साथ बिछड़ जाते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि दो मित्र एक साथ यात्रा शुरू करें 1986 में, उसके बाद वो एक ही संस्था में काम शुरू करें विभिन्न भूमिकाओं में, और उसके बाद वो एक संस्था छोड़कर 2-4 सालों के अंतर में एक बार पुनः उसी संस्था में आए और फिर 8 साल तक आप प्रोग्राम हेड रहे और मैं इनके साथ काम करूं। ये सब ऊपर वाले का रचा हुआ विधान है। और मैं नाम लेना चाहूंगा रमा जी का, आप में से अधिकांश और रमा जी का काफी सालों का साथ रहा है, उस मामले में मेरे साथ ही अजीब इत्तेफाक रहा है कि सिर्फ स्किन पर ज्वाइन करने के बाद सिर्फ 2.5 साल ही मैं उनके साथ रहा, पर तो इस 2.5 साल में भी हमारा इनका जो रिश्ता बना वो बहुत ही खास है। और इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि कोई भी इंसान उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। रमा जी एक जिंदा दिल इंसान हैं, खुशगुजार इंसान हैं, शी इज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। केंद्र में जब आप केंद्राध्यक्ष के रोल में होते हैं तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आप टेंस हो जाते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ भी होता है। वैसे कई मौकों में रमा जी ने मुझे बुस्टअप किया, उस टेंस माहौल को इन्होंने खुशनुमा माहौल में बदलने की कोशिश की। परंतु कल के पास है मेरा एक अच्छा साथी, मेरा एक अच्छा सलाहकार हमारे साथ नहीं होगा, मैं बहुत मिस करूंगा। बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करना चाहती हूँ लेकिन बस इतना कहना चाहूंगी कि ईश्वर की कुछ ऐसी लिखी थी कि बाल कलाकार के रूप में आए जो बगल में दूरदर्शन था और कभी नहीं सोचा था कि उसकी हेड भी होंगी। तो मैं हर पल अपने बच्चों से भी कहती हूँ, सबसे कहती हूँ कि हर पल ईश्वर को धन्यवाद। और आज भी मैं वो बात रिपीट करना चाहूंगी कि ईश्वर ने आंखें भी आपको शरीर दिया, प्लीज उसका अच्छा इस्तेमाल करिए। उन घरों की सोचिए जहाँ चराग जलते ही आंखें देखती नहीं है,
उनका दर्द समझिए और ईश्वर को हर पर धन्यवाद दीजिए। दूरदर्शन के हर कर्मचारी अधिकारी जो भी मेरे साथ जुड़े उन सबको मैं तहे दिल से मेरे मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ बोलूंगी लेकिन सच बात यह कि जब आप रिटायर हो रहे होते हैं इतने विचार उमड़ रहे होते हैं क्योंकि इतना लंबा वक्फा मैंने यहाँ गुजारा। बार बार यही कहूंगी कि नियम बने हैं उनको फॉलो करिए। मैं दावे के साथ ये बात कह रही हूँ नियम फॉलो करेंगे किसी की हिम्मत नहीं कि आपको कोई कुछ कह पाएगा क्योंकि सब जीता है। बस शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। कई आंखें नम हो गई पिछले हफ्ते भर से यही हो रहा है कभी कंचन तो कभी हमारी क्या बोलूं इतने सारे लोग हैं कुंती अभी भी हिम्मत नहीं कर पाई। मेरे बहुत सारे नलिनी क्या पारुल ज्योति रोमिला किस किस का नाम लूं मैं मतलब रेखा मणि मतलब मैं जिनका नाम भी ले रही हूँ मत सोचेगा कि वो इमोशनल नहीं हुए। मुझे बेहद खुशी है कि सारी पुरुष तो थे मेरे साथ पूरा कार्यालय मेरे साथ था लेकिन हर महिला ने मुझे वो प्यार दिया वो इमोशन दिया चाहे वो एडमिन की हो चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे प्रोग्रामिंग की हो उन सब का शुक्रगुजार रहूंगी। प्रशासनिक तकनीकी न्यूज सबका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ और दूरदर्शन मेरा है मेरा रहेगा। बस एक बात कहना चाहूंगी प्लीज स्थितियां जैसी भी क्यों ना हो चुनौती पहले भी थी आज भी है अपने घर की बुराई मत करिए प्लीज। देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कमाया है। सो थैंक यू सो मच दूरदर्शन की हर व्यक्ति का दिल से आभार। थैंक यू आई लव यू ऑल करना और जाना रहना दो एंजॉय। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है इनको खोकर मेरे जाने जा उम्र भर ना तरसते रहो आज जाने की जिद ना करो जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो। That's how life is, you have to go. So thank you so much. Thank you each one of you. This is very cool. This is how a set looks. This is very cool. Mamarori hai. Namaskar. आप सभी की दिल से शुक्रगुजार रहूंगी हमेशा। मुझे मौका मिला बाल कलाकार से लेकर कार्यक्रम प्रमुख के सफर तक का समय गुजारने का उन सभी साथियों की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी जिनकी वजह से मैं कुछ काम कर पाई। दूरदर्शन लखनऊ DDUP देखते रहिए यही मेरा सौभाग्य होगा। शुक्रिया। धन्यवाद कि मैंने बाइक किया। आप सब देखिए मैंने जल्दी से मम्मा'स फेवरेट बुद्धा जी उनकी ब्लेसिंग से मैं आगे बढ़ी हूँ भैया।
श्याम भी एरिया में मेरा बैचमेट था। श्याम और विनय प्रकाश। मॉम इट्स लाइक योर विदाई विदाई पार्ट टू। मम्मा आर यू गोइंग टू योर ससुराल? ऐसे लोग गिनतियों में होते हैं बेटा, जिनको हर विंग के लोग प्यार करते हैं। Picture went out actually. Oh, अच्छा. Oh my God. Thank you. Thank you. Say bye to your building. Love you. दूरदर्शन का garden देखो। बड़ा बैग रह गया। अरे बड़ा रह गया, वो बोर्ड लगा दूरदर्शन का, इसके सामने हो जाए। Oh, thank you. The gifts are just not stopping. Too many gifts. Oh, baby Aru. Oh, baby Aru. Mom, you've gotten so many gifts and you've retired. How do you feel? पता है, एक जो आत्मसंतुष्टि की फीलिंग होती है वो है, क्योंकि जो नौकरी के वर्ष है वो तो मैंने पूरे किए ना। कितने साल से आप काम कर रहे थे? मेरा यहाँ पे मुझे 32 साल हो गया था। How long have you worked for in your life? Like employment? अच्छा, दूरदर्शन आकाशवाणी मिला के 32 साल और 5.5 साल मैंने मॉडलिंग। 32 is? 32. And 5 years, so 37, 38 years of working. Yeah. I am not even 38. Oh God. Love you, mom. सारे गिफ्ट खोलते हैं।